नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गौरी एंड वेलकम टू फिट स्टैंड। आप लोगों के कमेंट से मुझे एक चीज पता चल रही है कि अब तक फास्टिंग डाइट से बहुत लोगों को फायदा हो रहा है और डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित फास्टिंग डाइट भी कुछ लोग फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अभी अभी हमारे चैनल पर जुड़े हैं जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोज नहीं देखे होंगे, तो उनके लिए आज के वीडियो में मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित एफर्टलेस वेट लॉस डाइट प्लान फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी, जिसे आप लोगों को इस डाइट प्लान के बारे में और इससे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी और आप आराम से ये डाइट प्लान फॉलो करके खुद का अच्छा खासा वजन कम कर सकते हो। दोस्तों, कुछ लोगों का इस डाइट प्लान से एक महीने में 10 किलो भी वजन कम हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित एफर्टलेस वेट लॉस एंड डायबिटीज रिवर्सल डाइट प्लान क्या है और इसे आपने कैसे फॉलो करना है। दोस्तों, ये डाइट प्लान इंसुलिन सीक्रेशन थ्योरी पर आधारित है। हाई इंसुलिन लेवल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। दोस्तों, इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो शरीर के पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन हार्मोन ये खाने से कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली शुगर यानी ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपका शरीर जितना चाहिए उतना ग्लूकोज यानी एनर्जी उसमें से यूज करता है और बाकी बचा हुआ ग्लूकोज फ्यूचर यूज के लिए शरीर में स्टोर करता है। अगर आपके शरीर का इंसुलिन सीक्रेशन बढ़ गया तो एक्स्ट्रा इंसुलिन फैट्स में कन्वर्ट होकर आपको मोटा बनाता है, और अगर यही इंसुलिन सीक्रेशन कम हो गया तो एनर्जी के लिए आपका शरीर फैट्स यानी चर्बी का यूज करता है और आपका फैट और वेट लॉस होता है। दोस्तों, जब भी आप कुछ भी खाने की चीज खाते हो तो आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ती है और आपके शरीर के बीटा सेल्स पैनक्रियाज को इंसुलिन रिलीज करने का सिग्नल देते हैं। और एक बात याद रखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने कितना खाना खाया, इंसुलिन रिलीज होने की क्वांटिटी फिक्स होती है। इस डाइट प्लान में आप इंसुलिन सीक्रेशन की फ्रीक्वेंसी कम करते हो। दिन में बस 2 बार खाना खाकर आप इंसुलिन सीक्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। और एक बात, इस डाइट प्लान में आपको कुछ भी खाने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहे जितना और जो चाहे वो भरपेट खा सकते हो। बस आपको दिन में 2 बार ही खाना है। ये डाइट फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको खाने के 2 टाइमिंग्स फिक्स करने होंगे। ये टाइमिंग्स बेसिकली आपको जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है वो होंगे। रोज आपको इसी टाइमिंग पर खाना है और आपको हर एक खाना खाने के लिए 55 मिनट मिलेंगे। यानी आपको जो भी खाना है वो आपका फिर मेन मील हो या डेजर्ट या कुछ भी हो, आपको दिन में 2 बार उन्हीं 55 मिनट्स के मील स्लॉट में ही खाना है। एक्चुअल में इंसुलिन सीक्रेशन साइकिल 55 मिनट्स की होती है, यानी अगर आप 55 मिनट में कुछ भी खाओगे तो इंसुलिन उन 55 मिनट में बस एक ही बार प्रोड्यूस होगा। एंड लाइक दिस ओनली आप आपके शरीर में इंसुलिन सीक्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसका मतलब इस डाइट प्लान में आपको दिन में 55 मिनट के मील स्लॉट में 2 बार ही खाना है। यानी आपके ये 2 ईटिंग विंडोज होते हैं और बाकी बचा हुआ टाइमिंग फास्टिंग यानी उपवास करना है। लेकिन दोस्तों, आई नो दिन में बस 2 बार खाना इतना इजी नहीं है, इसलिए इन 2 मील्स के बीच में यानी फास्टिंग पीरियड में आप कुछ चीज़ें खा सकते हो। आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिससे आपके शरीर में इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं होगा। बेसिकली आप 0 कैलोरीज वाली चीज़ें खा सकते हो, लाइक पानी, घर पर बना हुआ पतला छाछ यानी बटर मिल्क, कोकोनट वाटर, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी 25% मिल्क एंड 75% पानी वाली विदाउट शुगर चाय, नींबू पानी, और दिन में आप एक मीडियम साइज टोमेटो खा सकते हो। तो दोस्तों, ये डाइट करते समय बीच में अगर आपको भूख लगे तो इनमें से कुछ भी आप खा सकते हो। लेकिन अगर आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक हो तो खाने में स्ट्रिक्टली स्वीट्स को अवॉइड करें, और फास्टिंग पीरियड में दूध वाली चाय, कोकोनट वाटर और टोमेटो आपको अलाउड नहीं है। आप ये चीज़ें नहीं खा सकते। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच चीज़ें खाइए। दोस्तों, इस डाइट प्लान में आप पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच या छोले भटूरे भी खा सकते हो। इसका मतलब आप जो खाने में चीज़ें खा रहे हो वो सब कुछ सब खा सकते हो। आपको दूसरे कोई भी डाइट प्लान की तरह कुछ भी स्पेशल रेसिपीज नहीं बनानी है इसमें। बस आपको दिन में 2 बार खाना है, और इसके साथ इस डाइट प्लान में आपको कंपलसरी वीक में कम से कम 5 दिन मिनिमम 45 मिनट के लिए कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज करनी है। बेस्ट रिकमेंडेड एक्सरसाइज इज वॉकिंग, जो सब लोग कर सकते हैं। आपको कंटिन्यूस 45 मिनट्स में मिनिमम 4.5 किलोमीटर वॉकिंग करनी है। दोस्तों, शुरुआती 15 से 20 मिनट में आपके शरीर में मौजूद ग्लूकोज बर्न होता है और बाद में बॉडी का फैट्स यानी चर्बी जलती है।
इसलिए एक्सरसाइज के लिए 45 मिनट का मिनिमम टाइम लिमिट है। वॉकिंग के अलावा कार्डियो एक्सरसाइज में आप स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, रोप जंपिंग, जॉगिंग, स्टेयरकेस क्लाइंबिंग या और कोई दूसरी कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर बेनिफिट्स यानी फायदों की बात करें तो इस डाइट प्लान की खूबी यह है कि इसमें आपके वेट के साथ आपके पेट की चर्बी भी कम होती है। इवन इस डाइट प्लान से आपकी ब्लड शुगर नीचे आकर आपको डायबिटीज जैसी बीमारी नहीं होती। आप हमेशा एनर्जेटिक फील करते हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होता है। फास्टिंग डाइट की वजह से आपके शरीर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि फास्टिंग से आपका जीवन काल भी लंबा होता है। दोस्तों, ना केवल आयुर्वेद में तो सभी धर्मों में भी फास्टिंग को महत्व दिया गया है। ये डाइट प्लान फॉलो करते समय अगर आप मेडिसिन यानी दवाइयों की बात करें तो अगर आप थायराइड की गोली ले रहे हो तो सुबह खाली पेट आप वो टैबलेट ले सकते हो। बाकी मेडिसिन के टाइमिंग्स के लिए आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आई एम श्योर वो आपके टैबलेट्स को इस डाइट के अनुसार एडजस्ट करने में मदद करेंगे। इन द वर्स्ट केस अगर 55 मिनट के स्लॉट में एडजस्ट नहीं हो पाए तो आपके डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से डोसेस कंटिन्यू कीजिए और रेस्ट ऑफ द डाइट प्लान स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इस डाइट से आपको बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। अब इस डाइट प्लान के नुकसान या साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस डाइट के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, फिर भी कुछ लोगों को शुरुआती दिनों में हेडेक, डिजीनेस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हेयर लॉस, ड्राई स्किन, नौशिया, बैड ब्रेथ और टायर्डनेस यानी थकान जैसी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीज़ें बस कुछ दिनों की ही प्रॉब्लम्स हैं, एक दो वीक में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके लिए आप सफिशेंट पानी पीजिए, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स और सैलड खाइए, खाने के टाइमिंग्स को प्रॉपरली फॉलो कीजिए और खाने में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन रिच चीज़ें लीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात करते हैं कि डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान से आपका वेट कितने महीनों में कितना कम होगा। दोस्तों, आपका एक महीने में कितना वेट कम होगा या दो महीने में कितना वेट कम होगा, ये पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। आपका वजन धीरे धीरे बढ़ता है तो वजन कम करने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। आप ये वेट लॉस डाइट प्लान मिनिमम 3 महीने के लिए फॉलो कीजिए, आपको इसका ज़रूर फायदा मिल जाएगा। और 2 मील्स वाला ये डाइट बस एक डाइट नहीं है, तो ये एक लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली है। एक बार आपको दिन में 2 बार खाने की आदत लग गई तो पूरी लाइफ आप यही फूड हैबिट फॉलो करोगे। दोस्तों, मेरी आशा है कि आपको इस वीडियो से डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित एफर्टलेस वेट लॉस डाइट प्लान अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपको सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर करें। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।